सब आपका स्वागत है रजनी जी ब्लॉग चैनल पर। और आज है संडे, तो संडे को स्वस्तिक पापा की छुट्टी नहीं है, हर बार रहती है, कभी कभी रहती है कभी कभी नहीं रहती है, तो अभी छुट्टी नहीं है, वो रेडी होके जा रहे हैं। और मैंने बनाए आलू के पराठे, तो स्वस्तिक गौतम ने खा लिए, उसके पापा ने भी खा लिए, ये मेरे लिए रखे। कहाँ जा रहे हो? लैब जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? तो ये जा रहे हैं ऑफिस, आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में, फिर हम लोग जाएंगे मॉल। स्वास्तिक मॉल के लिए ही रो रहा है। स्वास्तिक आओ इधर, अभी लेके चलेंगे पापा जी। ये भी नहा धो के फ्री हो गए, देखो कैसे रो रहा है। इतना बिजी रहते हैं भाई साहब, इतना बिजी पूरे दिन, हेलो 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 फोन। यार जैसे लेडीज के लिए घर में काम होता है बहुत ज़्यादा, बच्चों को संभालना और काम करना, वैसे ही जो बेचारे आदमी होते हैं, मतलब पति होते हैं, उनके लिए भी बहुत काम होता है ऑफिस का, फोन वोन करना, कितनी मेहनत करनी पड़ती है उन्हें अपने बच्चों को पालने के लिए, बीवियों के नखरे उठाने के लिए, खर्चे उठाने के लिए, कितनी सारी मेहनत करनी पड़ती है, पूरा दिन हेलो 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 होती रहती है। तो आई होप कि आप सबके भी हस्बैंड जैसे काम करते हो। और गौती खा रहा है, गौतम आप क्या खा रहे हो? घी। गौतम ने घी से पराठा खाया है और सॉस से भी खा रहा है, ये इसकी स्पेशल प्लेट है। ये गौतम जब भी खाना खाता है ग्रीन वाली ही प्लेट में खाता है, और इसको ग्रीन कलर ही फेवरेट है इसका ना। गौती हेलो करो। हेलो स्वस्तिक, आप भी आ जाओ। स्वस्तिक तो गुस्सा हो जाता है बहुत जल्दी, अपनी मम्मा पे गया है। इसकी मम्मा भी बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है। आ जा खाना खाएंगे, मॉल जाएगा। तो मैंने पराठे तो बना लिए अपने लिए, और मैं बिना चाय के नहीं खा सकती, मेरी चाय फेवरेट है, तो मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ। स्वस्तिक क्या ले रहा है? किंडर जॉय और टॉफी और बहुत सारी चीजें, पूरा कस्टम बॉक्स के लूंगे, वो तो कस्टम क्या? हाँ क्या देखो स्वस्तिक पापा, स्वस्तिक पापा स्वस्तिक क्या ले रहे? देख ही नहीं रहे क्या ले रहे हो? पॉपकॉर्न ले लो दो। हाँ। पॉपकॉर्न भी ले लो, रखो इसमें रखो। कितनी कैंडी जेली क्या क्या ले लिया अपना यार, क्या कर रही है? तो हम आ चुके मॉल से शॉपिंग करके, मॉल के पास में ही एक, ज्यादा बड़ा नहीं है, कपड़े वगैरह नहीं मिलते, ऐसे वाला मॉल नहीं है। क्या है जी वो सामान जो मिलता है उसमें? मॉल ही हो, रिलायंस स्मार्ट है वो, ऐसा मॉल नहीं है जिसमें कपड़े वगैरह मिलते हैं, रिलायंस स्मार्ट है वो। तो खाने पीने का और घर का राशन वासन का सामान उसमें मिलता है, तो वो लेने हम गए थे। पर मेरे जो बच्चे हैं ना बहुत जिद्दी और बहुत शैतान है, इतना सारा सामान इन्होंने ट्रॉली में डाल लिया, कभी नहीं जाती इन्हें लेके बाजार, क्योंकि अकेले तो मैं जा ही नहीं सकती, ये भी साथ गए थे, पर फिर भी इन्होंने वहाँ परेशान कर लिया हम दोनों को। हम वहाँ से आ गए, आके अब देखो बैग में लग गए क्या क्या सामान है, कुछ तो खा लिया इन्होंने, कुछ और फैला रहे हैं, तो बहुत शैतानी करते हैं ये दोनों। मैं तो थक गई वहाँ से, अभी मलाई निकाल के गई थी, जब मैं वहाँ गई थी मलाई भी चलानी है, अभी इनसे बोल रही हूँ स्वस्तिक के पापा से कि चला देंगे, ग्राइंडर से चलाओ तो वो
टाइट हो जाती है तो वो उसका टूटने का डर है, वो चलती नहीं है उससे पता नहीं कैसे। थोड़ी सी ग्राइंडर से चलानी पड़ेगी, थोड़ी सी वो चमचे से या किसी से चलाऊंगी तब वो जाके चलेगी। अभी ये कह रहे हैं ये नहीं खाना, वो वाला खाना था। दिखाती हूँ अभी, देखो ये कैसे कर रहे हैं। तो ये भर के लाए, एक बैग भर के सामान लाए, ये कैंडी फन पॉक वगैरह क्या क्या है। बात है, तुम क्या खा रहे हो दिखाओ, ये क्या खा रहा है? और ये भी तो टॉफी खाते हैं, इन्होंने एक पैकेट छुपा दिया अपने लिए। एक ये निकल ही आया, देखो देखो छुपाया क्या आपने, ए दिखाओ। इन्होंने भी अपने लिए एक पैकेट छुपा दिया, एक इसने ले लिया, दिखा गाय ये क्या है, बिस्किट है ये। हाँ ओ भाई साहब, इसने तो गायब कर दिया बिस्किट का पैकेट। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। और तो सामान लगा लेते हैं हम लोग। तो गौतम स्वास्तिक पॉपकॉर्न भी लाए थे यहाँ से मॉल से, तो अभी वो डिमांड कर रहे हैं पॉपकॉर्न बनाने की, तो पॉपकॉर्न बना देती हूँ। और स्वास्तिक पापा जा रहे हैं मलाई चलाने, वो मलाई चला रहे हैं और मैं बना रही हूँ पॉपकॉर्न। मैंने रख दिए इसमें पॉपकॉर्न, अभी बन जाएंगे, 5 मिनट लगती है मुश्किल से रेडी होने में। तो ये कर रहा है अपने हाथ सान ली इसने। खुश हो कि नहीं, और कोई डिमांड है आपकी जो मम्मी पूरी कर सके हैं? और इच्छा फेस करो। नहीं है। और रैकेट कैसे फेंक रखे हैं नीचे? मिली
मोमोज बना दिए मैंने आज इनके लिए, बड़े जिद्दी बच्चे हैं। उस दिन परसों को जब बनाए थे, बनाने की बोल रही थी तो मैदा नहीं थी, तो फिर मैंने बाजार से मंगा दिए थे। इसके पापा से फ़ोन कर दिया था तो वो ले आए थे बाजार से, पर ये भूले ही नहीं और ये मुझसे कह रहा आज दिन में, मम्मा आपने तो बनाए ही नहीं मोमोज, अब तो मैदा भी आ गई, सामान भी हम ले आए। तो मैंने सोचा मैंने सामान तो रखा ही है, मैदा ही नहीं थी तो मैं बना देती हूँ। चटनी इसलिए नहीं बनाई क्योंकि हमारा बिल्कुल ही मन नहीं है खाना खाने का, ना मोमोज खाने का, क्योंकि हमने सुबह आलू के पराठे खाए थे ना, वो हैवी हो जाते हैं। अब सर्दियों में टाइम छोटा होता है, दिन छोटे होते हैं, जल्दी रात हो जाती है, तो हमारा मन नहीं था खाना खाने का। खाएंगे तो एक आध इसमें से मोमोज खा लेंगे, और चटनी मैंने बनाई ही नहीं क्योंकि हमें खाने नहीं थे, और ये रेड वाली चटनी से खाने नहीं थे इनको, तो ये जो मेमोरीज होती है ना, वो जो चटनी मिलती है मोमोज के साथ बाहर से, वो ही ले आए, थोड़ी रेड वाली भी ले आए। तो बहुत जिद्दी बच्चे हैं, अपनी जिद पूरी करा लेते हैं। तो गुड नाइट, अब रात हो रही है, इसके बाद हम सो ही जाएंगे, इन्हें कुछ खिला पिला के, दूध वूध पिला के, चाय वगैरह, तो हम लोग सो जाएंगे। स्वास्थी गौतम जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी रागनी जी बना लिए हैं मोमोज, फेवरेट, बच्चे काफी दिन से कह रहे थे, बच्चे काफी दिन से कह रहे थे इसके लिए, तो खाया मैंने, बहुत टेस्टी है। और चटनी में हम वो बाहर से लेके आए हैं मोमोज वगैरह की, मेयोनीज और चटनी, पर नो डाउट बहुत ही क्रिस्पी है और बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी क्वालिटी, जैसे कहते हैं पैसा वसूल। तो गुड नाइट बोलो, अब हम सोने वाले हैं, वीडियो यही बंद कर रही हूं। गुड नाइट, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, स्वास्थ्य, गुड नाइट बोलो सबसे। गुड नाइट गाइस, चलो चलते हैं खाने। गौतम आप भी बोलो, जल्दी बोलो, बंद कर रही हूं मैं। बोल दिया ठीक है, तो बाय फैमिली, गुड नाइट।